मुंगेली जिले के लोरमी में कांग्रेसियों के द्वारा धूमधाम से तीजा मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने भी शिरकत की। बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन शोभा वाटिका में किया गया। इस बीच उपस्थित भीड़ के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहाँ सरकारी नियमों को ताक में रखते हुए बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और बिहान दल की महिलाएं नहीं बल्कि क्षेत्र से काफी संख्या में महिलाएं एवं काफी संख्या में लोग बरसते पानी में भी तीज मिलन समारोह में पहुंचे। महिला आयोग के अध्यक्ष को देखने सुनने के लिए लोग डटे रहे, लेकिन प्रदेश के स्कूलों में 15 अगस्त के अवसर पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने के लिए शासन से प्रतिबंध आदेश जारी किया गया था। ऐसे में सैकड़ों महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करते हुए कार्यक्रम कराने की चर्चा जोरों पर है। कार्यक्रम में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह, जिला पंचायत के अध्यक्ष लेखनी शत्रुघ्न चंद्राकर, जिला कांग्रेस प्रभारी उपस्थित रहे। आरोप लगा रहे तो अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने संसद के सचिव पद का जो दुरुपयोग किया था वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा और मंत्रियों के समान उन्हें पूरी सुविधाएं भत्ते अनुदान के लिए राशि सब दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।